हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीति सांगवान लाइफस्टाइल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में, मेरे नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग भी कुछ स्पेशल ही होने वाला है। तो मैं हो चुकी हूँ नहाकर रेडी और अब मैं जा रही हूँ, टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ पार्लर सैलून जा रही हूँ। तो मेरा आज है ब्राइडल मेकअप और ब्राइडल शूट होगा। तो मेकअप जैसे जैसे होगा वो मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी और कंप्लीट मेकअप होने के बाद जो मेरी लुक होगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और वो आप बताएंगे कि कैसा लगा मेरा लुक। तो स्टे ट्यून। तो गाइज, मैं घर से अब निकल रही हूँ, 12 बज चुके हैं और खाना वाना खाने लग गई थी। तो आज मैंने मेकअप भी कुछ नहीं किया, काजल मतलब मेकअप वैसे तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, लिपस्टिक लगाई है हल्की सी और काजल वगैरह जो है वो नहीं डाला, बस इतना ही करती हूँ मैं डेली, काजल लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली। तो और तो मेकअप मैं करती नहीं, बाकी वहाँ जाके होगा। आज संडे है तो सिर छोड़ के आ रहे हैं मुझे। तो गाइस फिर वहां पे जाके फिर बात करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ और मैंने कपड़े मतलब चेंज भी कर लिया है, गाउन पहन लिया, मेरा मेकअप स्टार्ट हो जाएगा। ओ लाइट गई, कनेक्ट करो, बंद कर दो। स्टार्ट हो चुका है तो कुछ मेकअप मेरा इन्होंने प्राइमर वगैरह तो लगा दिया, अब लेंसेज लगाएंगे मेरे आईज में। आप लोग देखते रहना साथ के साथ। तो गाइज यहाँ पर मुझे लेंसेज लगा रहे हैं ये और इनमें इतनी प्रॉब्लम होती है लगवाते टाइम, बहुत ज़्यादा मेरी आंखों से पानी भी आ रहा था। वैसे इन्होंने बहुत केयरफुली लगाए बट बाद में भी जैसे थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में, डलने के बाद भी दो तीन बार उसको निकाल के दोबारा से डालना पड़ा था क्योंकि सेट नहीं आ रहा था। तो फाइनली लेंसेज डल चुके हैं और यहाँ मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका है। ये बेस लगा रहे हैं मुझे। तो गाइज यहाँ पर मेरा बेस हो चुका है रेडी और जब तक कंप्लीट मेकअप नहीं होता तब तक ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत हो गया, बट जब कंप्लीट मेकअप होता है तो फाइनल लुक होती है तभी पता लगता है कि कितना अच्छा। तो गाइज अब यहाँ पर कंटूरिंग कर रहे हैं ये मेरी फीचर्स ताकि शार्प दिखें, मेरा फेस पतला दिखे और भी, तो इससे एनहेंस होके आते हैं फीचर्स सारे के सारे, साफ दिखाई देते हैं, कट दिखते हैं बिल्कुल फेस के। तो गाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है मेरा कंटूरिंग और अब ये जैसे शूट चला हुआ था, कैमरामैन था तो ये उनको अपनी पैलेट वगैरह दिखा रहे हैं ब्रांड कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, अलग से वीडियो वहाँ पर भी रेडी हुआ था। अब ये मुझे ब्लश लगा रहे हैं। तो
गाइज यहाँ पर हाइलाइट्स कर रहे हैं जो उभरे हुए हिस्से होते हैं हमारे फेस के, उनको और भी ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, ताकि वो अलग से दिखे। गाइज हाइलाइटर एक आर्टिफिशियल ग्लो ऐड कर लेता है आपके फेस पे, तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो मेरे गाल चमक रहे हैं हाइलाइटर की वजह से, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो गाइज अब यहाँ पर मेरी आईब्रोज को फिल कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से दिखाई दें, क्योंकि मेकअप इतना होने के बाद वो पाउडर जैसे लग जाता है आईब्रोज के ऊपर, और अलग से ताकि दिखे शार्प, इसीलिए उनको फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। तो गाइज यहाँ मेरा आई मेकअप स्टार्ट हो चुका है, वो सबसे पहले आईज पे बेस लगा रहे हैं ताकि जो भी वो कलर लगाएंगे वो एकदम से उभर कर दिखे। गाइज मेरा ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया था आईज का, लाइट लाइट मेकअप ही रखा था, लाइट मेकअप लुक थी, क्योंकि कियारा आडवाणी वाला लुक किया था जो उन्होंने अपनी शादी में लुक किया था क्रिएट, कियारा आडवाणी का, तो कुछ ऐसा लुक क्रिएट किया था मेरा, वो आप कंप्लीट होने के बाद देख सकते हो। मेकअप के बाद ही पता लगेगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, आप बता सकते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। लग ही नहीं रहा ये मैं हूँ। तो गाइस ये है मेरी मेकअप की फाइनल लुक, अभी हेयर डू होगा और हेयर डू के बाद फिर दिखाती हूँ आपको, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो गाइज मेरा मेकअप हो चुका था डन, और यहाँ पर हेयर का भी हो चुका है जो बन बना रखा है पीछे, और ये जो ज्वेलरी देख रहे हो आप कियारा आडवाणी ने ये ऐसी ज्वेलरी डाली थी, ये बहुत ही अच्छी ज्वेलरी थी, बहुत सुंदर लग रही थी, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो फाइनल मेरी आप लुक देख सकते हो, नाथ वगैरह भी मैंने पहन ली है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और अच्छे अच्छे ही कमेंट करना। तो गाइस आप लोगों ने मेरी फाइनल लुक देख ली, और मुझे तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, और आस्था मैं आई जा आ जाओ आस्था ने मेरा मेकअप बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत प्रिटी, और सॉफ्ट लुक रखी है इन्होंने, आप बता सकते हो कौन सी मॉडल की लुक किया क्या राइट वाली का। हमने ब्राइडल लुक रिक्रिएट किया था, हमने ट्राई किया था, बट हम मोस्ट प्रोबेबली हमारे हिसाब से हम उनके लेवल तक पहुंच ही गए हैं। तो आप लोग मतलब कमेंट करके जरूर बताना, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, तो प्लीज हमने शूट करते हुए बहुत एंजॉय किया, अब आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि आप लोगों ने कितना एंजॉय किया पूरी वीडियो देखते हुए। बाय। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना जो चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।